अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और ईशान किशन को बेहतरीन विकेट कीपर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ईशान किशन ने किया ऐसा थ्रो, आगे महेंद्र सिंह धोनी की। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच रोमांचक अंदाज में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को आसानी से जीत मिल गई। लेकिन इस मैच में ईशान किशन ने एक ऐसा थ्रो किया जिसको देख महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। तो आखिर ईशान किशन ने ऐसा क्या कर दिया जिसको देखकर महेंद्र सिंह धोनी की याद आई, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन, संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में भारत को 5 विकेट से जीत नहीं तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली। इस दौरान भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर 105 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शुभमन गिल भी 104 रन की पारी खेलने के बाद पवेलियन को लौट गए। इसके बाद ईशान किशन और राहुल ने भी तूफानी बल्लेबाजी की, जहाँ पर ईशान किशन 31 तो राहुल 52 रन बनाकर पवेलियन को लौटे, तो वहीं सूर्या ने 72 रन का योगदान दिया, जिसके चलते 399 रन 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए और 400 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बारिश के चलते 33 ओवर में 317 रन का पीछा करने उतरी और लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और इस मैच को हार गई। लेकिन इस बीच ईशान किशन ने धोनी की याद ताजा कर दी। दरअसल पारी का 20 ओवर चल रहा था, इस दौरान गेंदबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा और बल्लेबाजी पर एबॉट और ग्रीन मौजूद थे, जहाँ पर ग्रीन 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस दौरान विकेट कीपर ईशान किशन ने डायरेक्ट थ्रो मारा जो सीधे विकेट में जा लगा। इस दौरान बल्लेबाज ग्रीन क्रिस के पास पहुंच गए थे, जिसको ईशान किशन ने भी हां में फैसला दे दिया और जब थर्ड एम्पायर ने फैसला दिया तो बल्लेबाज आउट रहा, क्योंकि ईशान किशन के द्वारा मारा गया डायरेक्ट थ्रो जब विकेट में लगा तो बल्लेबाज ग्रीन उस समय क्रीज में मौजूद था, लेकिन उनका बल्ला हवा में था, जिसके चलते एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट दिया। ऐसे में ईशान किशन को इस डायरेक्ट थ्रो को देख महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने की मैदान पर सरेआम चीटिंग, तो भड़क उठे सुनील गावस्कर। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चीटिंग की, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। इस दौरान सुनील गावस्कर भड़क उठे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जमकर लताड़ा और धमकाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार बीच मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने क्या चीटिंग की, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ सुनील गावस्कर ने क्या कहा, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच इंदौर के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई। इस दौरान भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, जहां पर 16 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 200 रन की साझेदारी कर डाली और इस दौरान दोनों ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच पारी के 31 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सरेआम बेईमानी की। दरअसल 31 ओवर में राहुल ने अपना शतक पूरा करने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज करने के लिए प्रयास किया। इस दौरान गेंदबाज एबॉट ने स्लोअर गेंद डाली, जिस पर श्रेयस अय्यर ने एबॉट के हाथों में कैच दे दिया। हालांकि बल्लेबाज पवेलियन को लौटने लगा, लेकिन जब एम्पायर ने देखा तो पता चला कि बल्लेबाज नॉट आउट है। दरअसल गेंद पकड़ते समय एबॉट ने गेंद को जमीन से टच कर दिया और नियम के अनुसार बल्लेबाज नॉट आउट रहा। ऐसे में श्रेयस अय्यर को जीवन दान मिला। हालांकि श्रेयस अय्यर अगली गेंद पर चौका लगाने के बाद 105 रन बनाकर इसी ओवर में इसी गेंदबाज के सामने शॉट के हाथों कैच आउट हो गए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम की इस बेईमानी को देख सुनील गावस्कर भड़क गए और उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें जवाब देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस तरीके से मैदान पर बेईमानी नहीं कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पता होना चाहिए कि उसके गेंदबाज ने बेहतर तरीके से कैच लिया या नहीं। क्रिकेट जेंटलमैन का खेल है, ऐसे में आप इस खेल के अंदर बेईमानी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गेंदबाज के साथ मिलकर बेईमानी करने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बढ़ते हुए बयान देते हुए कहा कि प्रत्येक विकेट के बाद हर कोई गेंदबाज कप्तान के साथ जश्न मनाता है और कप्तान गेंदबाज से पूछता है कि आपने सही तरीके से विकेट लिया है या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो कप्तान ने गेंदबाज से पूछा नहीं और ना ही गेंदबाज ने कप्तान को बताया। हालांकि मामला बहुत करीब था, लेकिन जिसके साथ घटित होता है वो इस मोमेंट को बेहतर तरीके से जान सकता है। लेकिन गेंदबाज ने खेल भावना के विपरीत कार्य किया, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस प्रकार से सबसे बेहतरीन टीम माना जाता है, उसके खिलाफ गेंदबाज ने आज कार्य कर दिया है। उन्होंने खेल भावना के साथ इस मैच को नहीं खेला और उन्होंने दिखाया कि भारतीय टीम के खिलाफ
वो किसी भी कीमत पर बेईमानी कर जीत हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि अंपायर्स इनकी जांच करें और खिलाड़ियों पर दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई भी करें। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की चीटिंग को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, बड़ी बेरहमी से शुभमन गिल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, तभी गुस्से से आग बबूला कैमरन ग्रीन ने शुभमन गिल से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर दी और फिर गिल ने अपने बल्ले से उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरा ऑस्ट्रेलिया वो देखकर दंग रह गया था। तो दोस्तों, आखिर क्यों बीच मैदान में ही लड़ पड़े थे गिल और ग्रीन? कैसे गिल ने अपने बल्ले से दिन में तारे दिखाते हुए कि उनकी बोलती बंद, उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अय्यर और गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर के छोटे से मैदान पर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने देने का फैसला ऑस्ट्रेलिया पर बहुत भारी पड़ा, जहां श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर शुभमन गिल ने बड़ी बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया को कुचलने का मन बना लिया। वो दोनों बड़ी आसानी से गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंके जा रहे थे। ऐसे में जब उनके कप्तान ग्रीन पर विकेट चटकाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तब घमंड में चूर इस गेंदबाज ने गिल को कमाकते हुए उनसे बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये लम्हा है पारी के 9वें ओवर का। कैमरन ग्रीन ने आते ही दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। शुभमन गिल को उन्होंने पूरी तरह से बीट करके रख दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ग्रीन ने गिल को छकाने के बाद उन्हें अपने मुंह से कुछ अपशब्द कह दिए, तो ये गिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पर ग्रीन को रिप्लाई भी दिया और चुपचाप गेंदबाजी करने के लिए कहा, लेकिन वो कहां मानने वाले थे, वो बदतमीजी पर उतारू हो चुके थे। ऐसे में शुभमन ने अपने बल्ले से उनकी बोलती बंद करने की ठानी। जब दोबारा ग्रीन गेंदबाजी करने आए तो अगली ही गेंद पर गिल ने उन्हें चौके के दर्शन करा दिए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, अभी असली तबाही का मंजर आना तो बाकी था, और वो हमें देखने को मिला 5वीं गेंद पर, जब अपने भयंकर अवतार का नजारा दिखाते हुए गिल ने उस गेंद को अपने फुल शॉट से इतनी दूर मारा कि वो गेंद तो स्टेडियम पार ही चली गई थी। इस तूफानी छक्के से उन्होंने पूरे स्टेडियम के होश उड़ा दिए थे। उनका वो करिश्माई शॉट देखकर तो गेंदबाज की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि गिल ने 146 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद को इतनी अच्छी तरीके से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। लेकिन गिल तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद करना जानते हैं, जैसे देखने के बाद तो ग्रीन भी चुपचाप गेंदबाजी करने चले गए। तो गिल को उकसाना उन्हें बहुत भारी पड़ा, जहां इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए केवल 36 गेंद पर करिश्माई छक्के से अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की शामत लाकर रख दी, जहां ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अभी भी दहशत में नजर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने 4 खौफनाक छक्के तो वहीं 3 चौके भी लगाए थे। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनेंगे या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी क्रम। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाज के सामने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने कंगारू टीम खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिर कैसे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने अपनी शतकीय पारी के जरिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित किया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर 5 विकेट से जीत के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा मैच खेलने के लिए इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में उतरी, जहां पर इस मैच में पैट कमिंस को आराम देकर ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमान स्टीव स्मिथ को सौंपी गई, जहां पर स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। इस दौरान भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, जहां जसप्रीत बुमराह को आराम देकर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल की जोड़ी ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत अपना पहला मैच खेल रहे स्पेंसर जॉनसन ने की। इस दौरान पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से इस ओवर में कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाया और दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से पिछले मैच की तरह तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं गेंदबाजी में दूसरा तरफ से जोश हेजलवुड ने शुरुआत की, जहां पर दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि इस गेंदबाज ने ओवर में मात्र एक रन दिया, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर में जोश हेजलवुड ने 16 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज गायकवाड़ को गुड लेंथ गेंद पर सेटअप करने के बाद हल्के से एज के जरिए विकेटकीपर एलेक्स कैरी के द्वारा शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया।
इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ 8 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए, तो वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं 5 ओवर में श्रेयस अय्यर के हाथ खोलते हुए अपनी तीसरी गेंद पर चौका लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ओवर में 2 चौके लगा दिए और दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। इस दौरान श्रेयस अय्यर मैदान के चारों तरफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने प्रत्येक गेंदबाज को चारों खाने चित कर दिया। इस बीच 7 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए एबॉट के सामने श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी कर 10 रन बटोरे, तो वहीं 8 ओवर में भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा भी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए पार किया और 9 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए एबॉट के सामने शुभमन गिल ने भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी कर दी। इस दौरान गिल ने एबॉट के सामने अपनी पारी का पहला छक्का लगाया, जो इस मैच को पहला छक्का साबित हुआ।